हाँ बच्चों, क्लास ट्वेल्थ का एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 15 है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इन्वर्स फाइंड करना। ये 3x3 का मैट्रिक्स है, इसके लिए हमको ए बराबर आई ए लिखना होगा। आई जो 3x3 का मैट्रिक्स है, आई की जो वैल्यू 3x3 की मैट्रिक्स की होती 1 0 0 0 1 0 0 0 1, डायगोनल में 1 रहेगा ए। तो बच्चों इसके लिए मैं आपको एक सरल तरीका बताता हूँ, इजी मेथड है। मान लो सपोज कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। तो सबसे फर्स्ट में आप इसको 1 करिएगा, फर्स्ट काम इसमें करिएगा। सेकेंड काम इसको करिएगा 0 करिएगा। थर्ड वर्क इसमें करिएगा, तीसरे स्टेप में इसको 0 करिएगा। फोर्थ नंबर में आप इसको 1 करिएगा, क्या करिएगा 1 करिएगा। फिफ्थ नंबर में इसको 0 करिएगा, फिर सिक्स नंबर में इसको 1 करिएगा, फिर सेवन नंबर में आप इसको 0 करिएगा, एट नंबर में इसको 0 करिएगा, फिर नाइन नंबर में इसको 0 करिएगा। इस टाइप से 9 स्टेप में आपके आंसर कंप्लीट आ जाएंगे बच्चों। आप हम इसको 1 करेंगे पहला काम, तो आर वन या आर वन का कॉपरेट लगेगा इसमें, आर वन डिवाइडेड बाई 1/2, तो ये 1 आएगा, माइनस 3/2, 3/2, 2 2 3 3 -2 2, यहां भी लगाएंगे 1/2, तो ये 1/2 हुआ, 0 0 0 1 0 0 0 1, ये ए आ गया। अब बच्चों हमको इसमें 0 करना है, तो R2 -2 R1 का ऑपरेट लगेगा, हम इधर साइड में लगा रहे हैं, R2 R2 -2 R1, तो 1 लिखेंगे, माइनस 3/2 3/2 R2, तो R2 -2 R1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर रफ वर्क जरूर करेंगे बच्चों, यहाँ 2 लिखेंगे, माइनस 2 × R1 की जो वैल्यू है वो लिखेंगे, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 + 3 = 5, यह 5 लिखिएगा। फिर R2 में 3 है, 3 लिखेंगे, माइनस 2 R1 की वैल्यू कितनी थी 3/2, तो ये लिखिएगा 3 3 - 3 = 0, यहाँ 0 लिखिएगा। फिर R3 का वैल्यू को लिखना होगा आपको 3 - 2 2, अब सेम प्रोसेस आपको इधर भी लगाना है, 1/2 लिखिए, 0 लिखिए, 0। अब R2 R2 - 2 R1 था, तो 0 - 2 की वैल्यू कितनी थी, हाँ R2 में काम करेंगे तो 0 लिखेंगे पहले, 0 - 2 R1, तो 2 × 1/2, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 - 1 = -1 आएगा, यहाँ -1 लिखिएगा। फिर 1 1 - 0, तो 1 ही आएगा, फिर 0। अब थर्ड रो को लिख दीजिएगा 0 0 और 1, ये ए की वैल्यू आ गई। अब बच्चों हमको इसको 0 करना है R3 को, तो R3 ऑपरेट लगेगा, R3 R3 - 3 R1, तो 1 - 3/2 3/2 0 5 0। अब R3 - 3 R1 करेंगे तो 0 आ गए बच्चों, फिर -2 लिखिएगा, रफ वर्क जरूर करिएगा, -2, फिर -3 R1 की वैल्यू कितनी है अपने पास, -3/2 है, तो -2 + 3 3 = 9/2, 2 2 = 4 - 4 + 9/2 = 5/2, तो ये 5/2 आएगा इसका आंसर। R3 R3 - 3 R1 था, 2 - 3 × 3/2, तो 2 - 9/2, फिर एलसीएम ले लीजिएगा, रफ वर्क बच्चे जरूर करिएगा, 2 4 - 9/2 = -5/2, तो यहाँ -5/2 लिखेगा। सेम प्रोसेस लगाना है इस साइड, तो ये 1/2 0 0 - 1 1 0। अब R3 - 3 R1 था बच्चों, तो 0 - 3 करेंगे तो -3/2 आएगा, फिर 0 और 1 आएगा, और इधर से ए लिखेंगे बच्चों। इसके बाद अब अगला टर्म में हम इसको 1 करेंगे। हाँ स्टूडेंट, अब हमें इसे 1 करना है, R2 वाले टर्म को जो 5 है इसको हमें 1 करना है, तो R2
आर टू डिवाइडेड बाई फाइव करेंगे, वन माइनस थ्री बाई टू, थ्री बाई टू जीरो, वन जीरो जीरो, फाइव बाई टू माइनस फाइव बाई टू इक्वल वन बाई टू जीरो जीरो, माइनस वन बाई फाइव आएगा, वन बाई यहाँ फाइव का डिवाइड करना है, जीरो माइनस थ्री बाई टू जीरो वन, और ये ए का टर्म लिखे। अब बच्चों हमको इसको जीरो करना है, हमने आपने सिस्टम बताया था कि क्रम किसको जीरो करना है, इसको। तो आर थ्री में काम करेंगे तो आर थ्री माइनस फाइव बाई टू आर टू करेंगे, तो वन माइनस थ्री बाई टू, थ्री बाई टू जीरो, वन जीरो 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 माइनस फाइव, यानी आर थ्री माइनस फाइव बाई टू आया, माइनस फाइव बाई टू इक्वल वन बाई टू जीरो जीरो, माइनस वन बाई फाइव, वन बाई फाइव जीरो। अब बच्चों इसको मैं रफ वर्क जरूर करेगा, तो देखिए आर थ्री की वैल्यू कितनी थी, रफ कर वर्क कर रहा हूँ, माइनस थ्री बाई टू माइनस माइनस लिखेगा फाइव बाई टू, और आर टू की वैल्यू कितनी है, माइनस वन बाई फाइव है, तो माइनस थ्री बाई टू माइनस माइनस प्लस, फाइव फाइव कैंसिल हो जाएगा वन बाई टू, तो माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू बाई टू इक्वल माइनस वन आएगा, तो यहाँ माइनस वन लिखेगा बच्चों। इसके बाद जीरो लिखिएगा, अब माइनस फाइव बाई टू इंटू आर टू वन बाई फाइव, ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस वन बाई टू आएगा, इस टर्म में आप माइनस वन बाई टू लिखिएगा, फिर आर थ्री माइनस वन है, यहाँ जीरो है, इसलिए इसका आंसर वन ही आ जाएगा, ए आ गया। अब बच्चों इसको आपको वन करना है, आर थ्री को, तो आर थ्री में जब वन करेंगे हम लोग, तो आर थ्री ऑपरेट लगेगा, आर थ्री इंटू टू माइनस टू बाई फाइव लिखेंगे, ऑपरेट क्या लगेगा, आर थ्री माइनस टू बाई फाइव, तो वन माइनस थ्री बाई टू, थ्री बाई टू जीरो, वन जीरो 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 वन इक्वल वन बाई टू जीरो जीरो माइनस वन बाई फाइव, वन बाई फाइव जीरो। अब आर थ्री में हमें काम करना था बच्चों माइनस टू बाई फाइव करना, तो ये रिजल्ट क्या बना के आएगा, टू बाई फाइव हो जाएगा, माइनस वन बाई फाइव, माइनस वन बाई टू है, और इंटू कर देंगे हम किसको, माइनस टू बाई फाइव को, जब माइनस टू बाई फाइव का इंटू कर देंगे, टू टू कैंसिल हो जाएगा, वन बाई फाइव आएगा इसका आंसर, वन बाई फाइव लिखिएगा, फिर यहाँ वन है तो माइनस टू बाई फाइव आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस टू बाई फाइव लिखिएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी ए। अब बच्चों हमको इसको जीरो करना है, तो आर वन माइनस थ्री बाई टू आर थ्री करेंगे, आर थ्री से इसको माइनस करेंगे तो जीरो आएगा इसका आंसर, तो वन माइनस थ्री बाई टू जीरो जीरो वन जीरो 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 वन इक्वल आर वन अपने पास स्टूडेंट ने कितना था, वन बाई टू था, माइनस लगाओगे थ्री बाई टू लिखेंगे, आर थ्री की वैल्यू कितनी है, टू बाई फाइव है, तो टू बाई फाइव लिखेंगे, ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा बच्चों वन बाई टू माइनस थ्री बाई फाइव हुआ, तो ये इसका रिजल्ट आया टेन, फाइव वन जा फाइव माइनस सिक्स इसका टू माइनस वन बाई टेन आएगा, क्या आएगा बच्चों, माइनस वन बाई टेन आया ये, फिर जीरो लिखेंगे, माइनस थ्री बाई टू, आर थ्री आर्थिक वैल्यू कितनी है, वन बाई फाइव है, तो ये कितना आंसर आएगा, माइनस थ्री बाई टेन आएगा, माइनस थ्री बाई टेन लिखेंगे, फिर जीरो, माइनस टू बाई फाइव है, माइनस टू बाई फाइव इंटू माइनस थ्री बाई टू, टू टू कैंसिल हो जाएगा, थ्री बाई फाइव आएगा, तो यहाँ पर जो थ्री बाई फाइव लिखिएगा, अब माइनस वन बाई फाइव, वन बाई फाइव जीरो, टू बाई फाइव, वन बाई फाइव, माइनस टू बाई फाइव और ए। अब स्टूडेंट हमें इसे जीरो करना है, तो ऑपरेट अब हम लगाएंगे कौन सा, आर वन। हाँ स्टूडेंट, अब इसको हमें जीरो करना है, तो आर वन में
R1 प्लस 3/2 R2 ऑपरेट लगेगा, ये इससे माइनस होगा तो जीरो होगा, तो 1 लिखेंगे, 0 0 0 1 0 0 0 1 इक्वल, इधर वर्क करना है बच्चों तो रफर करेगा, -1/10 प्लस 3/2 R2, तो 3/2 लिखेंगे, R2 की वैल्यू कितनी थी अपने पास -1/5, तो -1/10 -3/10 -4/10 इक्वल टू -2/5 आएगा, -2/5 लिखेगा। इसके बाद -3/10 प्लस 3/2, अब R2 की वैल्यू कितनी थी 1/5, तो -3/10 प्लस 3/10 इक्वल टू 0 आएगा। फिर 3/5, ये थर्ड में 3/5 प्लस 3/2, R2 की वैल्यू कितनी थी 0, तो रिजल्ट 0 कर देगा, तो आंसर आएगा राइट डायरेक्ट 3/5 लिखिएगा स्टूडेंट। फिर -1/5 0, 2/5 1/5 -2/5 a। अब a इनवर्स इक्वल टू -2/5 0, 3/5 -1/5 0, 2/5 1/5 -2/5 स्टूडेंट, ये आंसर आपका आ गया इनवर्स। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालना था, क्वेश्चन नंबर 15 है। बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।